हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ग्री ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या हुआ ना, मुझे आज गेहूँ साफ करना है। गेहूँ साफ करूँगी, कपड़े वॉश करूँगी, मतलब मेरा बेडशीट भी है, एक बेडशीट होता है ना, मैं हाथ में ही साफ करती हूँ। तो चलिए करूँगी, और क्या क्या करूँगी दिन में आपको दिखाती हूँ। तो मैं ना धोती स्टाइल करके मैं वॉश करूंगी। तो चलिए मैं धोती स्टाइल दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड जो मैं धोती स्टाइल में आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं न्यू वीडियो डालूंगी आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं धोती स्टाइल टक करके करती हूँ। अरे अरे, क्या गिर जाता है धोती, वो जो टाइप का धोती स्टाइल तुम, मेरा क्यों गिर जाता है? ऐसे गिरोगे तो मैं कैसे काम करूंगी? अच्छा, धोती स्टाइल में इस रेड साड़ी में तो सुबह सुबह 7:30 बजे के अंदर, क्योंकि बहुत धूप निकल रहा है अभी ना, मैं बाहर में ही मेरे पोटिका में ही पानी लेकर डाल के, मैं 2 बाल्टी में पानी ले गया था, पानी लेकर वहाँ डाल के अच्छी तरह से मैं जो धूल है ना, धूल मैला को साफ कर रही थी। साफ करने के बाद मतलब सुबह सुबह करूँगी तो होगा ना, नहाने से पहले वो साफ सफाई होता तो अच्छा लगता है। और देखिए जो ऊपर ऊपर गंदा पानी है ना, जो गंदा पानी ऊपर में बहुत गंदा पानी है, वो गंदा पानी को 2-3 बार ऐसे में पानी डालकर धोई। धोने के बाद उसको अच्छी तरह से मैं जो एक हमारा जो चलाते हैं ना जो गेहूँ, उसी में छान छान कर मैं बाल्टी में दी थी और सब साफ कर रही थी। तो देखिए एंजॉय कीजिए मैं कैसे करती हूँ साफ। बहुत और बहुत बहुत तरीके से करते होंगे पता नहीं, मैं तो ऐसा करती हूँ जो बहुत बड़ा वाला जो डिश है ना, उसी डिश में ही मैं बना जो डाल के उसे अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद ऐसे जो छन्नी होता ना, वो जो गेहूँ साफ करना वाला छन्नी होता ना, उसी छन्नी में से मैं ऐसे पानी को निचोड़, मतलब ऐसे पानी गिर जाएगा तो जल्दी से सूख जाएगा। मैं ऐसे गेहूँ भी मेरा आटा भी ख़त्म होने वाला ना, इसीलिए तो उसको मैं अच्छी तरह से पानी 2-3 बार डाल के धो के उसको साफ कर रही थी। तो नहाने से पहले करने में अच्छा लगता है क्योंकि धूल मिट्टी होता है ना, इसीलिए। तो उसके बाद मैं जो हमारा क्या कर रही हूँ आप लोग देखिएगा, आप एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को, मैं कैसे करती हूँ, मैनेज करती हूँ। मतलब लेडीज़ को इधर उधर का चारे तरफ देखना पड़ता है, घर का काम, बाहर का काम, सब काम देखना पड़ता है। तो हम जो डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं वो सब हम दिखाते हैं। कोई हम हमेशा तो कहीं मार्केट जा नहीं पाएंगे ना, हाउस वाइफ क्या करते हैं ना, घर का ही काम करते हैं, घर जो किचन कुकिंग घर में क्या होता है, कब साफ सफाई सब कुछ बहुत काम होता है। कहते हैं लेडीज़ का काम नहीं होता है, लेकिन लेडीज़ का जितना काम है किसी का भी उतना काम नहीं होता है। और जेंट्स क्या करते हैं ना, बाहर जाते हैं, वो तो लेडीज़ का काम नहीं कर पाएंगे, वो सब हमेशा झाड़ू पोछा वो सब नहीं कर पाएंगे। तो हम लेडीज़ का मतलब जो कहते हैं ना होम मिनिस्टर कहते हैं लेडीज़ को, सबको पता होगा लेडीज़ को होम मिनिस्टर ही कहते हैं हम। मतलब घर को कैसे आप कितने बजट में, एक महीने में कितने बजट में आप मैनेज करोगे वो सब लेडीज़ को पता चल जाता है, कैसे कैसे करते हैं, उतना कितना हमारा जो राशन कैसे चलेगा, उसी टाइप का हम कर लेते हैं। उतना तो सब लेडीज़ को समझ में आ जाता है कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे।
गेहूँ आटा भी ख़त्म होने वाला था। आटा दो तीन दिन बाद मेरा आटा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं गेहूँ को अच्छी तरह से साफ करके उसको दो धूप नहीं दोगे तो आटा अच्छी तरह से नहीं पीसेगा, और अच्छी तरह से पीसने में ही जो आटा को खाने को अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं बाहुबली जैसा दो बाल्टी में लेकर जा रही थी बाहुबली, तो मैं टेरिस के ऊपर हमारा बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर ही मैं देती हूँ। बेडशीट को तो मैं पैर से नहीं मारती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है, तो नीचे तो मैं बिल्कुल ही नहीं देती हूँ। ऐसे जो ऊपर ऊपर मैं दे दूँगी ना, नीचे तो पानी थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे भी कैसे भी करो नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। तो उसी टाइप का मैं सारे जो गेहूँ को 7:30-8 बजे के अंदर ही मैं क्या करती हूँ ना, सब कर दिया। और उसके बाद काम मतलब ऐसा मैं ट्राइपॉड में लगा के ये और सब काम कर लेती हूँ। हमेशा तो मेरे पीछे कोई नहीं घूमेंगे ना, तो ऐसे ट्राइपॉड में लगा कर मैं काम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे और भी काम करना है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। सारे गेहूँ को तो मैंने दे दिया और चारे तरफ जो बेडशीट में मैं उसको फैला दूँगी। फैलाने से मेरा गेहूँ तो आधा सूख गया, लेकिन एक और धूप दे दूँगी ना, अच्छी तरह से सूख जाएगा और पीसने में भी अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही दे दिया, 7:30-8 बजे के अंदर ही हो गया। मतलब 7:30 बजे मैंने किया, मुझे 10-15 मिनट लग गया। उसके बाद और दूसरा काम करना है, वो जो मैं सब्जी काटना है, और जो फूल वगैरह नहाना, और बहुत कुछ काम होता है, इसी टाइप का मैं मैनेज कर लेती हूँ। ऐसे साइड में मैं टाइल्स दे देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जो हवा आता है ना, तो हवा से बेडशीट इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए मैं दे देती हूँ। और उसके बाद तो मुझे और भी काम करना। ओके, गेहूं को सुखा दिया। चलिए अभी मुझे कपड़े भी साफ करना है, नहाना भी है। Thank you.
और आलू और परवल का मैं इसे फ्राई कर रही थी, काट के भी रख दी थी। और जो मेरा बाथरूम का काम है वो देखिए, मैं बोली थी ना पोड़ पिठा, तो वो चावल को मैं पीस के रखी थी ग्राइंडर में। उसको जो हमारा पत्ते है, पत्ते में देकर पिठा बनाई थी। और देखिए बैंगन को ऐसे फ्राई कर दी थी, अच्छा लगता है ऐसे करके खाने में। ऐसा सब मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, तो ऐसे टमाटो और हमारा पाउडर मसाले से ही मैं आलू परवल की सब्जी बनाई थी। तो कैसे बनी तो बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आलू पोटल तो कसा हो गया, अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।